بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين امام المرسلين نبينا وسيدنا وامامنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين <applause> قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام محترم ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته प्रोग्राम हिकमत में मैं अब्दुल अब्दुलतम आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में दस्त बदुआ हूँ कि अल्लाह ताला महज अपने फ़जल करम से इस प्रोग्राम को शरफ़ कबूल अता फ़रमाए अल्लाह प्रोग्राम की इफ़ादियत से हम सबको माला माल फरमाए मेहतरम नाजरे बहुत ही अहम बात आपकी ख़िदमत में आर्ज करने का इरादा रखता हूँ मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि बहुत सारे साराजाज कराम हज के अमल से फ़ारिग होकर शायद पहुँच गए हों कुछ फ़्लाइटें आ गई हैं और चंद हजरा तो ज़रूर तश्रीफ़ ले आए हैं यह अभी अभी वापसी का सिलसिला शुरू होने वाला है और चंद ही दिनों में माशा तमाम हजा क़राम वापस तशरीफ़ ले आएँगे दुआ है कि अल्लाह ताला सब को हज मकबूल हज मबरूर, नसीब फरमाए ऐसा हज कि जिस हज के बारे में हदीस में फरमाया गया है कि राजा आ के यौमिन वलदत हो उम्म मन हज़ फलम फलम फफसु रजा के योिन वलदत उम्म ओकमा क़ाल नबील वसलम जिसने हज किया और हज के दौरान किसी क़स्म की बेहयाई का कोई काम नहीं किया गुनाह का कोई काम नहीं किया तो उसके बारे में ये ख़ुशखबरी है उसके बारे में ये वादा है कि वो अगर सही तरीक़े से हज करके वापस आया है और गुनाह का काम कोई नहीं किया इस दौरान लड़ाई झगड़ा नहीं किया आपस में झगड़ने की नौबत नहीं आई झगड़े से गुरेज किया फिस्क फजूर से गुरेज गुरेज किया गुनाह के कामों से गुरेज किया और गुनाह के काम से इजतना बरतने और गुरेज़ करने में ये बात भी दाखिल है कि ये बात भी दाखिल है कि इंसान हज के तमाम अरकान और मनासिक की अदायगी मसले के मुताबिक वो करे शरीयत के मुताबिक करे सुन्नत के मुताबिक तमाम आमाल की अंजामद ही हो इसमें फ़रज़ और वाजबात और सुनना मस्तबात को तर्क करने की नौबत ना आए शरीय के मुताबिक सुन्नत के मुताबिक मसले के रूह से दुरुस्त तरीक़े के मुताबिक अगर सारे काम किए हैं तो तो ही किसी के बारे में ये कहा जा सकता है कि उसने किसी किस्म के गुनाह का भी इरतकब नहीं किया वरना इस किस्म के कामों में मसले के रोज मसले के की वर्जी की सूरत में भी गुनाह लाजिम आता है कहा यह जाएगा कि दूसरे गुनाह तो नहीं किए लेकिन हज की अदायगी में मसले के रो मसले के ख़िलाफ़ वर्जी करने की वजह से गुनाह का इरतक लाज़िम आता है अगर नारज़बिल्ला ऐसा भी किसी ने मसले की खिलाफ वर्जी की तो उसने भी उसके बारे में भी कहा जाएगा कि उसने गुनाह का इरतकब किया है तो लड़ाई झगड़े से बचे रहा बचता रहा गुनाह का इतकब कोई नहीं किया मसले के रोज़ से दुरुस्त तरीक़े से हज के अरकान और मनासिक की सही तरीके से अदायगी की तो नतीजा क्या है कि वो उसी के बारे में ये खुशखबरी है उसी के बारे में ये अल्लाह की तरफ़ से बशारत है कि वो इस तरह गुनाहों से पाक व साफ होकर वापस आता है कि वलदत राजदत उम्म इतना ज़्यादा पाक व साफ़ इतना ज़्यादा मासूम इतना ज़्यादा पाक होकर वो वापस आता है कि जैसा कि आज ही किसी बच्चे माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया हो तो आज का पैदाशुदा ऐसा बच्चा जिसको उसकी माँ ने आज जन्म दिया हो आज ही किसी की पैदाइश हुई हो ऐसा बच्चा जितना मासूम होता है जितना गुनाहों से पाक होता है किसी किस्म की कोई आलूगी गुनाह की उसके ऊपर उसके साथ नहीं होती वो भी ऐसा ही गुनाहों से पाक साफ और मासूम होता है रजा के यौमिन वलदत हो उमू तो गुनाहों से ऐसा पाक होकर वह वापस लौटता है यह हज के अमल की बड़ी ख़ासियत है बड़ी खसूसियत है कि गुनाहों से इंसान को यह अमल पाक कर देता है और इंसान बिल्कुल मासूम बन जाता है इंसान में मासूमियत की सिफत हज के ज़रिए पैदा हो जाती है अल्लाह हदीस में फरमाया गया है कि अल हजालमबरूर लई सल जज़ा अल्जन्ना अगर कोई हज मकबूल हो हज मबरूर हो जो ऐसा हज जो अल्लाह के नज़दीक कबूल हो गया हो सुबहानअल्लाह। उसका बदला ऐसे हज का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ भी नहीं है सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है इतना अजीम बदला अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता है ये नहीं कहा जा रहा कि सवाब इतना मिलेगा अजर इतना दिया जाएगा इस कस्म की कोई बात नहीं की जा रही बल्कि जन्नत जिस तरह अनलिमिट नमतों के मजमू का नाम है तो हज का सवाब भी अनलिमिटेड है और उसका बदला जन्नत की सूरत में अदा किया जाएगा अजर सवाब की लिमिटेशन के साथ नहीं अगर ये कहा जाता है एक लाख सवाब है तो जनाब ये करोड़ सवाब है तो आ मुमकिन है कि गुनाहों का पल्ला भारी हो जाए और इतना ज़्यादा सवाब और नेकियों का अंबार अपने पास होने के बावजूद इंसान को जहन्नम में जाना पड़ जाए लेकिन यहाँ साफ़ लफ्ज़ों में बताया जा रहा है कि इसका बदला जन्नत ही जन्नत है इससे हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज पैदाशुदा कोई बच्चा आज किसी माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया हो वो बच्चा जितना मासूम होता है हज हज मबरूर नसीब जिसको हो गया हो वो भी ऐसा ही मासूम होता है सुबहानल्ला और हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है तो यह हज के बारे में ये जो फजीलतें बयान की गई हैं इनको मामूली फजीलत तस्वर नहीं किया जा सकता पूरी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा हो जाता है हज के फ़वाद के बारे में क़़रा करीम ने यह अरसाद फरमाया कि लियश हद उना यानी हज के तमाम अरकान और मनासिक के अदायगी के नतीजे में क्या होगा ताकि यह हजाज कराम हज करने वाले इस हज के मुनाफ़ा हज के जो कि मनफ़ाते हैं हज के जो फ़ायदे हैं उनका वो ख़ुद मुशाहदा करें ताकि वो आकर हज के मुनाफ़े का मुशाहदा करें हज की मनफ़ातों का मुशाहदा करें हज के बेबहा फ़वाद का मुशाहदा करें क़र करीम का यह उसलूब हमें बताता है कि हज का फ़ायदा कोई ज़ुबान के ज़रिए अपनी ज़ुबान से बयान करके ख़त्म नहीं कर सकता अल्फ़ाज़ के सहारे हज के फवाद को समेटा नहीं जा सकता ज़ुबान और बयान के सारे उसलूब हज से हासिल शुदा फ़ायदे के बयान के लिए नाकाफ़ी हैं फसाहत और बलागत की सारी तबीरत तश्ना ही तश्ना है नाकाफ़ी हैं शहद मनाफ़ आल्ला तार ने वाह अपने उसलूब के ज़रिए दुनिया को पैगाम दे दिया कि यहाँ का हज का फायदा शनीदनी नहीं दीदनी है हज का फ़ायदा बयान के जरिए उसको समझा नहीं जा सकता समझाया नहीं जा सकता इसका समझना और समझाना ये तो इसका तल्लुक तो इदराक से है कोई ख़ुद इदराक करे तो जाके उसे पता चले कि इसका फ़ायदा क्या है तो ये हज के फ़ायदे ऐसे हैं कि वो सुनीदनी नहीं बल्कि दीदनी है वो अल्फ़ाज के ज़रिए बयान करने की चीज़ नहीं है बल्कि बरतने की चीज़ है और मुशाहदा करने की बात है अगर कोई मुशाहदा करेगा तब जाके उसे पता चलेगा कैसे कैसे लोग के जिनकी जिंदगियों में बड़ी कमज़ोरियाँ थी दीनी एतबार से बहुत ज़्यादा नुक़ पाया जाता था लेकिन हज से वापसी पर उनका रोना उनका गिड़गिड़ाना उनका आंसू बहाना और उनकी तकलीफ़ें देख कर अंदाज़ा ये होता है कि अल्लाह ताला ने ज़रूर उनका हज कबूल कर लिया है और ज़िंदगी में एक हसीन इनकलाब बरपा हो चुका है एक वक्फ़े की तरफ मैं जाऊँगा और वक्फ़े के बाद मज़ीद इस सिलसिले में इन श्रह ततें होंगी أبّ همّار السّات السلام عليكم ورحمة الله.